कोरोना का असर कम करना है या जल्दी ठीक होना है तो क्या खान पान करना चाहिए, उसके बारे में बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। कोरोना ये जो वायरस है ये हमारे लंग्स में जाता है, फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों में जाने के बाद में वहां सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन होता है, वो सेल में घुस जाता है और फिर वहां जो लंग्स में इन्फ्लेमेशन और प्रॉब्लम्स आते हैं उसकी वजह से फिर हमको दमा आता है, डिस्निया होता है, अस्थमा होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, फिर ऑक्सीजन लगाना पड़ता है क्योंकि लंग्स स्पॉइल हो चुके हैं। अभी हमको कोरोना अंदर आने के बाद में उसको यदि जल्दी से जल्दी बाहर निकालना है, ठीक करना है या कोरोना बीमारी से भी ठीक होना है तो आपको खान पान के ऊपर ख्याल देना होगा। देखो, जो कोरोना वायरस है उसका मेन खान पान है ग्लूकोज, उसका मेन खाद्य है ग्लूकोज। तो हमने क्या करना है कि ग्लूकोज एकदम बंद करना पड़ेगा, ग्लूकोज खाना ही बंद करना है। मतलब जो जो चीजों में ग्लूकोज है वो बंद कर देने का, जैसे एकदम बहुत ज्यादा मीठे फलाहार होगा या फलों का रस होगा वो बंद करना है, राइस, रोटियां, शुगर कोई भी फॉर्म में सब बंद करना है। यदि आप ग्लूकोज बंद कर देंगे तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिर आप पूछेंगे खाना क्या है, खाना आपने खाना है प्रोटीन्स, प्रोटीन युक्त डाइट, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन खाने का है। और जितना ज्यादा प्रोटीन खाएंगे उतना अच्छा है क्योंकि प्रोटीन से जल्दी जल्दी हमारी प्रतिकार शक्ति बढ़ेंगी, एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा जल्दी तैयार हो जाएंगी और हम ठीक हो जाएंगे। प्रोटीन्स में यदि आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर ज्यादा खाओ, और आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा, फिश, चिकन, मटन कुछ भी खा सकते हैं। एक ही ख्याल रखना है कि बहुत लोगों को हमने एडवाइस किया और उसमें उनको बहुत फायदा हुआ। प्रोटीन युक्त डाइट, कम से कम ग्लूकोज, ज्यादा पानी पीना, 2.5 से 3 लीटर कम से कम पानी पीने का है, एक्सरसाइज करना है, रेगुलर एक्सरसाइज 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज है, और फिर भाप लेना, गर्म भाप लेना 5-6 बार दिन में। ऐसा करेंगे तो कोरोना हुआ भी है थोड़ा इन्फेक्शन में मामूली तो 4-5 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये आप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सीवियरिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सीरियस बीमारी नहीं होगी और जल्दी आप कोरोना से ठीक हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच।